हरे कृष्णा, ये उस समय की बात है जब अभी अभी सृष्टि का सर्जन पूर्ण हुआ था। भगवान शिव और माता पार्वती अब कैलाश पर्वत पर रहने के लिए चले गए थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, आपको प्रसन्न करने के लिए अनेक विधि विधान बताए गए हैं, लेकिन इन सभी में आपको सबसे प्रिय क्या है? तब उमापति महादेव ने अत्यंत प्रेम से उत्तर देते हुए कहा, हे प्रिय, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इसे शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। बड़े बड़े तीर्थों में स्नान करने या फिर मुझे मूल्यवान वस्तुएं, पुष्प, गंध इत्यादि अर्पित करने से भी ज्यादा अगर कोई भक्त इस महाशिवरात्रि के दिन और रात्रि में उपवास करता है तो वो मुझे सर्वाधिक प्रसन्न करता है। बहुमूल्य आभूषण और पुष्पों के बदले अगर कोई मुझे सिर्फ बेल पत्र भी अर्पित करता है तो उससे मैं अधिक प्रसन्न होता हूँ। महाशिवरात्रि की रात्रि में मेरे भक्त को 4 प्रहर की पूजा करनी चाहिए, जिसमें अलग अलग प्रहर में उन्हें विभिन्न वस्तुओं से मेरे शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और इस प्रकार भगवान शिव स्वयं उन्हें प्रसन्न करने का उपाय माता पार्वती से कहते हैं और माता पार्वती ये विधि अपनी सखियों से कहती है। इस प्रकार भगवान शिव को प्रसन्न करने की ये शिवरात्रि विधि जन जन तक पहुंच जाती है, जिसका पालन आज भी हम करते हैं। स्कंद पुराण में भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहा गया है, ज्योतिर्मात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्तये। अर्थात ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनका नेत्र है, जो लिंग स्वरूप ब्रह्म है, उन परम शांत कल्याणमय भगवान शिव को नमस्कार है। सुना आपने, भगवान शिव अत्यंत शांत स्वभाव के और सबका मंगल करने वाले हैं बिना किसी भेदभाव के। इसी पुराण में सूत गोस्वामी कहते हैं कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अत्यंत दुर्लभ है। उसमें शिवरात्रि में जागरण करना ये तो मैं प्रत्येक मनुष्य के लिए सबसे दुर्लभ है ऐसा मानता हूँ, और इससे भी दुर्लभ है शिवलिंग का दर्शन करना, और दर्शन से भी अधिक दुर्लभ अगर कुछ है तो वो है भगवान शिव का पूजन करना। जब आपके 100 करोड़ जन्मों में अर्जित किए हुए पुण्य कर्म जागृत हो जाते हैं, तब जाकर आपको भगवान शंकर की बिल्व पत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त हो पाता है। इसी अध्याय में सूत गोस्वामी आगे कहते हैं कि 10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी में स्नान किया है उसको जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को एक बार बिल्व पत्र से भगवान शिव की पूजा करने से प्राप्त होता है। हर एक युग में कुछ कुछ पुण्य क्षीण होते जाते हैं, लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी महाशिवरात्रि के दिन ये सभी पुण्य कर्म फिर से स्वतः जागृत हो जाते हैं, और जो भी भक्त शिवजी की उपासना करता है उसे ये सारे पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस शिवरात्रि के दिन उपवास का पालन करता है तो उसे 100 यज्ञों से भी अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है, और जिसने सिर्फ एक बेल पत्र से भगवान आशुतोष की आराधना की है उसे जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसकी गणना करना असंभव है। और हमारा सौभाग्य है कि देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने वाला ये दिन यानी महाशिवरात्रि बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इस महाशिवरात्रि का पालन करने की शास्त्रोक्त व्रत विधि क्या है। सबसे पहले तो अगर आप महाशिवरात्रि व्रत का पालन करना चाहते हैं तो इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्रत और उपवास का आरंभ प्रातः काल से करना श्रेष्ठ माना जाता है। उसके बाद आप स्नान इत्यादि अपने नित्य कर्मों को संपन्न कर लीजिए और फिर अपने घर में जो पूजा का स्थान है उसे स्वच्छ करें और वहाँ भगवान शिव की प्रतिमा, शिवलिंग या फिर चित्र को स्थापित करें। उसके बाद उनका जल और दूध से अभिषेक करें, उन्हें बेलपत्र और सुगंधित पुष्प अर्पित करें। उसके बाद उन्हें कुछ मिष्ट भोग अर्पित करें, इसमें आप फल, दूध, मिठाई इत्यादि भी अर्पित कर सकते हैं। तत्पश्चात अगरबत्ती और घी का दीपक जलाएं
और 3 या 5 बाती से उनकी आरती करें। इस प्रकार आप प्रातः काल में अपने घर पर भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने नजदीक के किसी भी शिव मंदिर में जाएं और वहां उपस्थित शिवलिंग का दूध और जल से अभिषेक करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें और भगवान शिव के दर्शन करें, उनकी प्रदक्षिणा करें, उनके वाहन नंदी और कूर्म को प्रणाम करें। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि भगवान शिव के मंदिर में नंदी जी का स्थान क्यों होता है, क्योंकि वे भगवान शिव को अति प्रिय है और उनके वाहन है, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक शिव मंदिर में कूर्म यानी कछुआ क्यों होता है? तो इसका रहस्य ये है कि वास्तव में ये कूर्म हमारी इंद्रियों का प्रतीक है। जिस प्रकार एक कछुआ संकट आने पर अपनी सभी इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेता है और जब आवश्यकता पड़े तभी उन्हें बाहर निकालता है, उसी प्रकार इस कूर्म के माध्यम से भगवान शिव हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें भी अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने काम, क्रोध, मोह, अहंकार और ईर्ष्या को वश में नहीं कर सकता, वह वास्तव में भगवान शिव की पूजा करने के बाद भी कुछ नहीं सीख पाया है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए कि वे अपने अंदर छिपे हुए इन शत्रुओं को अपने नियंत्रण में रखने का प्रामाणिक प्रयास करें। एक और बात, जब भी आप किसी मंदिर या पूजा के स्थान पर शिवलिंग का अभिषेक या पूजा करने जाएं, तो एक बात का विशेष ध्यान रखें और वो है उस स्थान की स्वच्छता और पवित्रता का। कई बार देखा जाता है कि भक्त अपने भाव आवेश में आकर शिवलिंग की पूजा तो करते हैं, लेकिन उस स्थान पर गंदगी फैला देते हैं और कई बार कुछ महिलाएं और पुरुष मंदिर में भी अयोग्य वस्त्र पहनकर आ जाते हैं। इसलिए इस बार जब भी आप भगवान शिव की पूजा करने जाएं, तो इन दोनों बातों का विशेष ध्यान रखें कि अपने वस्त्र मर्यादित हों, हमारी संस्कृति के अनुरूप हों और उस स्थान की स्वच्छता और पवित्रता का हम ध्यान रखें। महाशिवरात्रि के दिन उपवास करने का प्रावधान है। इस दिन कुछ भक्त संपूर्ण निर्जल उपवास करते हैं और कुछ फल, दूध इत्यादि लेकर और नमक का त्याग करके उपवास करते हैं। ये उपवास आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। अगर आवश्यकता पड़े तो आप व्रत में खाने योग्य चीजें भी ले सकते हैं, लेकिन इन सब के पीछे का उद्देश्य एक ही है कि इस दिन कम से कम समय हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में जाए और अधिक से अधिक समय भगवान शिव की आराधना और उनके नाम जप करने में जाए। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय, इसका जप करने का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण में कहा गया है, सर्वेषाम् अपि पुण्यानां सर्वेषां श्रेयसाम् अपि सर्वेषाम् अपि यज्ञानां जप यज्ञः परः स्मृतः। अर्थात समस्त पुण्यों, श्रेय के सभी साधनों और समस्त यज्ञों में जप यज्ञ को ही सर्वोत्तम माना गया है। इसी स्थान पर आगे कहते हैं कि जिस प्रकार देवों में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी मंत्रों में शिव का षडक्षर मंत्र श्रेष्ठ है। उसी को प्रणव से रहित होने पर पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं और ये मंत्र है नमः शिवाय। जब इसके आगे ओम लग जाता है तो वह षडक्षर मंत्र बन जाता है यानी ओम नमः शिवाय। ये मंत्र जप करने वालों को मोक्ष प्रदान करता है। शिव जी के इस शुभ पंचाक्षर मंत्र में सर्वज्ञ, परिपूर्ण, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा रमण करते हैं। इस सृष्टि के जीवों के कल्याण हेतु भगवान शिव ने स्वयं ही इस आदि मंत्र का प्रतिपादन किया है, तो इसलिए शिवरात्रि के दिन आप अधिक से अधिक इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। रात्रि के समय में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है, जिसमें रात्रि के प्रत्येक प्रहर में विभिन्न वस्तुओं से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। प्रत्येक प्रहर 1.5 घंटे का होता है और रात्रि के प्रथम प्रहर में दूध से शिवलिंग का अभिषेक किया जाना चाहिए। दूसरे प्रहर में दही से अभिषेक होता है। तीसरे प्रहर में घी से शिवलिंग की पूजा होती है और चौथे प्रहर में मधु से शिवलिंग का अभिषेक किया जाना चाहिए। इस प्रत्येक प्रहर में बिल्व पत्र से भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। संपूर्ण रात्रि भगवान शिव के दिव्य स्वरूप और गुणों के ऊपर चिंतन, मनन, नाम जप और स्तुति गान में व्यतीत करने चाहिए।
इस प्रकार रात्रि में पूजा संपन्न करके अगले दिन यानी प्रातः काल में किसी भी ब्राह्मण को भोजन खिलाना चाहिए, अपनी क्षमता अनुसार दान देना चाहिए और उसके बाद आप चरणामृत के साथ और अन्न प्रसाद के साथ अपने शिवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। इस प्रकार शिवरात्रि का संपूर्ण व्रत पालन करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और आप उनसे अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वरदान या प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो भगवान शिव परम धन देने में सक्षम है, उनसे हम इन भौतिक तुच्छ वस्तुओं की याचना आखिर क्यों करें? जब हमें वास्तविक पारस मणि मिल रहा है तो फिर हम कांच के टुकड़ों के पीछे क्यों भागे, है ना? तो इसीलिए शिवरात्रि की पूजा आराधना करते समय भगवान शिव से या तो आप उनकी भक्ति की याचना कर सकते हैं, उनके धाम में वास करने की याचना कर सकते हैं, या फिर आप परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति की याचना कर सकते हैं, क्योंकि यही हमारे जीवन का परम धन है, वास्तविक पारस मणि है और इस दुर्लभ वरदान को भगवान शिव महाशिवरात्रि के अवसर पर अत्यंत सरलता से प्रदान कर सकते हैं। तभी तो हमारे आचार्य अपने ग्रंथों की टीका में कहते हैं, वृंदावनी पते जय सोम सोम मौले सनक सनंदन सनातन नारदेध्य गोपीश्वर व्रज विलास युगांग्रि पद्मे प्रेमा प्रयच्छ निरुपाधि नमो नमस्ते। अर्थात हे वृंदावन के क्षेत्रपाल, हे सोम, आपकी सदा ही जय हो। आप जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और जिनकी पूजा सनक सनंदन और नारद करते हैं, हे गोपीश्वर भगवान शिव, मैं आपसे व्रज धाम में सुंदर नित्य लीला करने वाले श्री श्री राधा माधव के चरण कमलों में प्रेम प्राप्त करने की इच्छा रखती हूँ। मैं बारंबार आपको प्रणाम करती हूँ। शिवरात्रि पूजा संपन्न करने के बाद आप शिव जी को ये प्रार्थना भी अर्पित कर सकते हैं और ये सर्वश्रेष्ठ वरदान है जो आप उनसे मांग सकते हैं। अगर आप शिव जी को इस दिन अधिक प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे इसका भी उच्चारण कर सकते हैं और अधिक से अधिक माला का जप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव स्वयं राम नाम की महिमा बताते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आज की ये शिवरात्रि वीडियो से आपको महाशिवरात्रि व्रत पालन करने में सहायता मिलेगी और इस शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर हम भगवान शिव के ऊपर अनेक कथाएं और वीडियोस भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप इन कथाओं को बनाने में हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए इस महाशिवरात्रि पर अपने मन और चेतना को भगवान आशुतोष पर केंद्रित करते हैं और उनसे मनुष्य योनि का सर्वश्रेष्ठ वरदान यानी परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति की याचना करते हैं। हरे कृष्णा।